सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं तनु पवार स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल तनु पवार एक दो तेजा ब्लॉग्स में। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 10 बजे से। आज ना काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है और आज यहाँ पे सामने में ही एक दादाजी का श्राद्ध है, तो दादी ने बोला ब्लॉग बनाने के लिए आ जाओ। तो चलो चलते हैं उनके घर में और देखते हैं कि आज उनके घर में क्या क्या बन रहा है। तो यहाँ से चलते हुए हमने जाना है यहाँ ऊपर, और दादी के घर को हमने आपको कई बार दिखाया है, तो यहीं से अंदर जाना है हमने। और यहाँ पे चाचा चाची और दादा दादा दादाजी नमस्ते। और यहाँ पे चाची भी है, तो यहाँ पे बन रहा है अभी खाना श्राद्ध के लिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि खाने में आज क्या क्या बन रहा है। दूधी की सब्जी है। अच्छा, इधर है अरहर की दाल, देखो दाल है अरहर की। तो यहाँ पे ना दादाजी बना रहे हैं गुजड़ी की सब्जी और यहाँ पे बनाई जा रही है अरहर की दाल। देख सकते हैं इतनी टेस्टी लग रही है देखने में ही, मुंह में पानी आ रहा है। और यहाँ पे बनाया गया है ये करेले की सब्जी, और यहाँ पे बनाई गई है घर के चावलों की खीर, इसकी पकोड़े बनाएंगे, और यहाँ पे बनाई जाएगी पकौड़ियाँ, और यहाँ पे बनाया गया है रायता। श्राद्ध में कम से कम 4-5 प्रकार का आइटम बनाया जाता है, मतलब बहुत सारे सामान बनाया जाता है। और ये सारा चीज जो हमारे पितृ होते हैं उनको चढ़ाया जाता है, जैसे कि आज आपको पता ही होगा आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, तो उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पे। और थोड़ी देर में अभी पूजा भी होगी। यहाँ पे खाना बनाने के लिए हेल्पर में आ रखी है चाची, है ना चाची? हेलो चाची। हाँ, और ये वही चाची है जिन्होंने मेरे साथ रोल किया था जननी को गुलाम वाले में। जननी को हाँ। और यहाँ पे चाचा भी आ रखे हैं खाना बनाने के लिए। तिथि और यहाँ पे कई किस्म के व्यंजन बन रहे हैं, एक बन रही है, सॉरी फोन बन रहा है। तो यहाँ पे चाचा का फोन आ चुका है, तो चाचा को बात करने देते हैं, तब तक चाची कुछ बोलेगी। तो मैं हूँ तनुजा की चाची, और हम यहाँ पे आज श्राद्ध के लिए इनवाइट किए हैं, और यहाँ पे हम खाना बना रहे हैं तरह तरह का। रायता हो गया, करेले की सब्जी हो गई, तोरी की सब्जी हो गई, और पकोड़े हो गए, आलू गोभी के, दाल एंड चावल, बस। धन्यवाद। तो आज हम आनंद लेने वाले हैं खाने का, आनंद लेने वाले हैं खाने का पूरा। और हरी सब्जी भी है, और हरी मिर्च है, सलाद है, जिसको खाना होगा आ जाना, और जिसको खाना होगा तो वो यहाँ पे आ सकता है, करके आ जाना, आ जाना। ठीक है, धन्यवाद। और दादा यहाँ पे ना स्पेशली खाना बनाने के लिए आ रखे हैं। दादा बहुत अच्छे कारीगर है, दादा का होटल भी है ना, तो उनको खाने बनाने का बहुत एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों यहाँ पे ना खाना तो बन रहा है, अभी पंडित जी लोग नहीं आए हैं, अभी पंडित जी लोगों का आने का वेट करते हैं, फिर पूजा शुरू होगी। और आज कन्याओं को भी जिमाया जाएगा, तो अभी तो उसको आने में मतलब होने में टाइम है, अभी तो खाना ही बन रहा है फिलहाल। तब तक मैं अभी चलती हूँ अपने घर, और अपने घर में भी खाना बनाती हूँ, फिर आएंगे जब पूजा होगी स्टार्ट। दोस्तों मैं अपने घर में आ चुकी हूँ, और आज मेरा नया हेयर स्टाइल खुले बाल करके कैसे लग रहे हैं। मजाक कर रही हूँ दोस्तों, मैं लिपाई कर रही थी ना, और मुझे वीडियो बनाने जाना पड़ा, तो मैंने ऐसे कर दिया। तब तक नहीं तो मैं कभी खुले बाल नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत झड़ते भी हैं और अच्छे भी नहीं है इस वजह से। खैर कोई बात नहीं, ये तो बातें होती रहेंगी। फिलहाल मैं खाना रखती हूँ फटाफट से, क्योंकि मम्मी भी आने वाली है, फिर मिलती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दाल बना दी है, और दाल बनाई है मैंने मसूर और उड़द की, साथ साथ में यहाँ पर मेरे बन रहे हैं चावल। खाना बनते ही तुरंत मुझे लिपाई करनी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी आधा ही किया है। अभी बताऊंगी कि कहाँ की लिपाई हो रही है आज, तो अभी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो अब हम फिर से आ चुके हैं चाचा लोगों के घर में, और यहाँ पे दादी भी आ रखी है, नहीं दादी चढ़ा रही है, क्या बोलते इसको, पूड़ी। तो दादी अभी पूड़ी चढ़ा रही है पहले। तो यहाँ पे मुरली कांडा से एक और ब्लॉगर जिनको हमने पहले बताया था, मंजू दीदी आ रखी है। तो कैसा लग रहा दीदी आपको हमारे गाँव में? बहुत अच्छा लग रहा है। और आज किस काम से आए हो आप यहाँ? अरे मैं स्कूल में आया था ट्रेनिंग का बारम ना। अच्छा, पर एक बल वर्चुअल लैब नहीं बल। अच्छा, तो वही कारण जब मिलो लिख घर चला, यूं ये भी चलाया, यूं तो मिलो घर चला, तो देखो तो यूं बोल के चल गांव में चलता। थोड़ा सी गांव घूम ही जाना, तो पहली बार आना जब मैं एक ही वर्ष घूमा। ठीक है, घुमार बताएं आप एक्सपीरियंस कर रहा है तुम नकल लगे हमारे गांव। ठीक है, हां हां पक्का। तो अभी यहाँ पे पूजा की तैयारी भी हो रही है, तो वो भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से चलते हैं आगे, और अब यहाँ पे ना पूरी और पकौड़ियाँ बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो तलने का काम तो हमारे चाचा जी कर रहे हैं, और डालने का काम करेंगी चाची। और यहाँ पे चाची मतलब वैसे तो बुआ है, पता नहीं क्या ही बोल बुढ़ी। हाँ, दो रिश्ते हैं इनके साथ, तो ये बेलने का काम कर रहे हैं यहाँ पे।
ऊपर में हो रही है पूजा की तैयारी, तो ऊपर में भी चलते हैं और ऊपर भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे दादी जी भी पहुँच चुके हैं पूजा में, पहुँच गए नहीं बुड्ढी बुड्ढी बोल रहे हैं। हाँ, कब आए आप पौड़ी से? मैं तो आ गई थी 2 हफ्ते पहले। अच्छा, और आपने बहुत अच्छा ये पहन रखा है ना। वाओ, बम्बई का फैशन है ना ये। अच्छा, बम्बई से लाए थे मैं इसको। अच्छा, कितने कितने का? अरे ऐसे लाए होंगे, बहुत महंगा लग रहा है। लग तो रहा है ना, ऐसा है ना, ये 16 से कम नहीं है। हाँ। कोई भी जाए कोई गम नहीं है। हाँ। 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 अंदर और यहाँ पे भी दादाजी। दादी नमस्ते। तो यहाँ पे दादाजी हमारे गांव के पंडित हैं, तो वो पहुँच चुके हैं पूजा करने के लिए और यहाँ पे पूरा पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। 25 तारीख को इसकी सगाई है। मेरी नहीं, मेरी दीदी जी। पूजा होगी तो मन युज के भगवान, मन युज के जो पितृ देवता होंगे, जब पूजा होगी तब बताएंगे हम तुम्हें। ठीक है, ये पितृ। तो फिलहाल यहाँ पे पूजा होने देते हैं, हम चलते हैं बाहर। बस बैठेंगे पूजा में, क्योंकि जो भी बड़ा बेटा होता है वही आगे जो भी पूजा वगैरह होती है वो बड़ा बेटा ही करता है। तो दादाजी बड़े बेटे हैं, तो दादाजी करेंगे पूजा, है ना दादी? हाँ, जरा सी पूजा करना चाहता हूँ दादी से भी। हमारी भाभी जी आ गई है और भाभी जी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। तो यहाँ पे एक और ब्लॉगर मुल्ली मुल्ली कांडे से ही दीदी के हस्बैंड परी भैया पहुंच चुके हैं। तो भैया, हाँ, तो कैसा लग रहा है भैया आपको आज हमारे गांव? बढ़िया, आपका गो माचित का अच्छा लगी कि देखा सब लोग मिलनसार से निकल और मकान तो बड़े एक से एक कर सब से पर जब में तैयार की फूल खूब चिन आपका गो मा हर घर में फूल सजा जाने। अच्छा, चलो जा चाय पीणो। चल दा अभी थोड़ी देर ना, एक पकौड़ी पकौड़ी है, पहले पकौड़ी खा ला। ठीक जी, ठीक। तो दोस्तों, अब मैं आ चुकी हूँ दादी लोगों के घर से और वहाँ पे हमारे गांव में 2 ब्लॉगर भी दिखा दिए हमने आपको। तो अभी मैं चलती हूँ और अब बताती हूँ क्या कर रही हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने सारा सामान बाहर निकाल रखा है किचन का और यहाँ से जाना है हमने अंदर के लिए। तो आज हम कर रहे हैं यहाँ की लिपाई, तो कुछ अभी ठीक से नहीं लग रहा ना, एक बार फिर से इसके बाहर से एक बार पोछा और लगाना पड़ेगा, क्योंकि दीवारें ना पूरी काली हो रखी हैं, इस वजह से सही से नहीं हुआ यहाँ। जो इसके अंदर वाला कमरा है ये मैंने कल साफ़ कर लिया था और कुछ इस प्रकार से है ये वाला। तो यहाँ हमारा ना स्टोर रूम है, यहाँ हम केवल जो हमारा पुराना सामान था वो हम सारा रखते हैं। तो यहाँ की पूरी लिपाई मैंने कल की थी दोस्तों। लिपाई करते करते ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। अभी यहाँ मैंने ना आधी आधी दीवारों को किया, अभी और भी रह रखा है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी लिपाई करती हूँ, क्योंकि मम्मी भी आने वाली है, फिर मेरे को डांट पड़ेगी। तो मैं पहले लिपाई करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों, लिपाई तो मैंने कर ली है और ये वाला ना दादी के श्राद्ध का है, तो जो मतलब हमने वैसे श्राद्ध नहीं बनाया, तो ये पंडित को दान करना है। तो ये जा रही हूँ मैं पंडित को देने के लिए, फिर खाते हैं खाना, फिर मिलेंगे आपको सीधे शाम को, जब मैं सामान अंदर लगाऊंगी फिर दिखाऊंगी हमारा कमरा कैसा लगा। दोस्तों, अब टाइम हो चुका है 4:30 और मैंने पूरा किचन का सामान भी अंदर लगा दिया है। अब मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ, बट इस वाले किचन में ना हम केवल चूल्हे वाला खाना ही बनाते हैं, बाकी वो गैस वाला चूल्हा हमारा दूसरा किचन है वो ऊपर है, तो हम नीचे ज़्यादा सामान नहीं रखते हैं। पर मैं दिखाती हूँ फिर भी आपको, अब कैसा लग रहा है। अब चल लेते हैं अंदर और यहाँ पे देखिए, अब कुछ इस प्रकार से लग रहा है ये। तो यहाँ पे हमारी ना केवल आटा और इसमें आटा है और इस वाले में है कोदे वाला आटा, बस इतना ही सामान रहता है। और यहाँ पे है हमारा पहाड़ी चूल्हा, वहाँ पे हमने कुछ लकड़ियाँ रखी रहती है जलाने के लिए, बस बाकी यहाँ कुछ भी नहीं रहता है। और अंदर तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखा ही दिया था, अब मैंने सामान फिर से ठीक से लगा दिया। उस टाइम ना टीवी को हमने नीचे रखा था, और जो ये टीवी है ये एकदम पुराने ज़माने की टीवी है। तो ये मेरी ताई की शादी की टीवी है, उस समय पहले समय में ना, आज से कम 25-26 साल पहले ऐसी टीवियाँ हुआ करती थी, नहीं 25-26 क्यों 30 साल का तो मेरा भाई हो गया, तो 31-32 साल हो गए होंगे ताई की शादी को। उस टाइम की कुछ इस प्रकार की टीवी है ये।
आज ना मैं सुबह से काम पे लगी हुई हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। फिर बीच में मैं घास बांधने के लिए चली गई थी खेत में, तो ऐसा हो रहा है कि उसी टाइम खेत में जाओ, उसी टाइम घर का काम करो, फिर खेत में जाओ घर का काम करो, है ना। तो समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से काम शुरू होगा, कहाँ से ख़त्म होगा। खैर कोई बात नहीं, करना तो है ही, पर इस ब्लॉग में मैंने फ़िलहाल यहीं पे एंड कर देती हूँ। और कल मिलेंगे हम नए दिन के साथ और अच्छे वाले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।